जी नेक्स्ट हमारे पास है जो डाटा स्ट्रक्चर है, जो कलेक्शन फ्रेमवर्क की क्लास है, दैट इज लिंक्ड लिस्ट। सब इससे अवेयर हैं लिंक्ड लिस्ट किस तरह स्टोर होती है। डाटा स्ट्रक्चर कोर्स में आपने ये चीज़ पढ़ी है। जावा लिंक लिस्ट यूजेज डबली लिंक लिस्ट टू स्टोर द एलिमेंट। इट एक्सटेंड एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट क्लास एंड इम्प्लीमेंट द लिस्ट एंड डी क्यू इंटरफेस, जो कि हम ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं इस डायग्राम के अंदर कि किस किस से इंटरफेस ये इसके साथ, क्योंकि ये क्यू का फीचर भी अपने पास रखती है, इसलिए उसको डब्ल्यू जो है ना हमारे पास लिंक लिस्ट है, तो ये क्यू का फीचर भी अपने पास रखती है, जो क्यू के इंटरफेसेस के अंदर जो बात हमने की थी। ठीक है जी। एक्सटेंड द एब्स्ट्रैक्ट लिस्ट, जावा लिंक लिस्ट क्लास कैन कंटेन डुप्लीकेट, इसमें डुप्लीकेट आइटम हो सकते हैं, और ये भी इंसर्जन ऑर्डर मेंटेन रखती है, ये एक इट इज़ ऑल्सो ए नॉन सिंक्रोनाइज क्लास, और इसके बाद ये मैनिपुलेशन इसकी फास्ट है अगर आपकी, क्योंकि इसके अंदर शफलिंग जो है ना वो हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका रिट्रीवल जो है वो स्लो होगा। ठीक है जी। इफ़ इंसर्जन ऑफ डिलीशन एट द मिडल ऑफ द लिस्ट, द लिंक लिस्ट इज़ द रिकमेंडेड डाटा स्ट्रक्चर। सो अब हम लिंक लिस्ट को देखते हैं, यही डाटा स्ट्रक्चर है। अरे लिस्ट की जगह मैं कह देता हूँ जी लिंक्ड लिस्ट। मेरे पास और कोड में देख ले, कोई चेंज नहीं आया। क्रिएटिंग लिंक्ड लिस्ट, मैंने कोड के अंदर कोई चेंज नहीं किया। तो आपने चीज़ नोट की है कि लिस्ट को पहले हमने एज अ रे लिस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया था, अब हमने एज अ लिंक्ड लिस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आपको ये कैसे पता लगे क्या करना चाह रहे हैं, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि आपको क्या रिक्वायर्ड है, रे लिस्ट रिक्वायर्ड है या लिंक लिस्ट रिक्वायर्ड है। ठीक है, मैं अब इसको रन करता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि आउटपुट के ऊपर आपकी कोई चेंज नहीं आई, सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर की इम्प्लीमेंटेशन चेंज हो गई है। तो आप देखिए इसके अंदर भी हमने क्या किया है, ऐड का मेथड यूज़ किया है। पहले ऐड का मेथड अरे लिस्ट के बेस के ऊपर था, जो हमारे इंडेक्स बेस सर्चिंग होती है उसके अंदर, ठीक है, और अब जो है हमारे पास वो क्या है, आपकी लिस्ट की बेस के ऊपर, लिंक लिस्ट की बेस के ऊपर ये चीज़ आ रही है। तो हमारे पास बहुत से मेथड इसके अंदर है, अरे लिस्ट के अपने हैं, ठीक है, गेट इंडेक्स, अगर आप किसी भी इंडेक्स के ऊपर कोई आइटम गेट करना चाहते हैं तो ये चीज़ हमारे पास लिंक लिस्ट में भी मौजूद थी, अरे लिस्ट में मौजूद थी, लिंक लिस्ट में भी मौजूद है। आप इन सारे फंक्शंस को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं जो मैंने ये चीज़ बताई है आपको। दिस वन कंटेन्स इज एम्प्टी इक्वल, सो ये सारे फंक्शन हमारे कलेक्शन के अंदर हैं, तो ये भी आपको अवेलेबल होंगे, कलेक्शन से आ रहे हैं। जो लिस्ट के अपने फंक्शंस हैं, अगर आप लिस्ट के फंक्शन देखना चाह रहे हैं तो जस्ट इक्लिप्स के अंदर या तो इसे कंट्रोल क्लिक कर दें तो आप सारे फंक्शन लिस्ट के देख सकते हैं, लिस्ट कौन कौन से फंक्शन आपको सपोर्ट करती है। तो ये टू अरे और ये सारे फंक्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ लिस्ट इंटरफेस के अंदर मौजूद हैं। तो जितने उसको यूज़ कर रहे होंगे वो सारे उसकी अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे। ठीक है जी। तो ये हमारी लिंक लिस्ट है, तो लिंक लिस्ट के असल में इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट होगी, जो हमारी अरे लिस्ट से बिल्कुल डिफरेंट होगी लिंक लिस्ट की। तो इसके तमाम मेथड को आपने खुद वन बाय वन चेक करना है, तो इसके अंदर क्या है। सो अब हम देखते हैं कि ये आपकी दोनों में डिफरेंस क्या है, अरे लिस्ट और लिंक लिस्ट के अंदर। अरे लिस्ट इट इज़ द बेस्ट चॉइस इफ़ आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल, अगर हमें रिट्रीवल करना है बहुत ज़्यादा तो अरे लिस्ट इज़ द बेस्ट। लिंक लिस्ट इट इज़ द बेस्ट चॉइस इफ़ आवर फ्रीक्वेंस ऑपरेशन इज इंसर्जन एंड डिलीशन। ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है इंसर्जन एंड डिलीशन तो लिंक लिस्ट चूज़ करें। अरे लिस्ट इज़ द वर्स्ट चॉइस इफ़ आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज इंसर्जन, सो लिंक लिस्ट इज़ द वर्स्ट चॉइस इफ़ आवर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इज रिट्रीवल, अगर आपने डाटा रिट्रीव करना है तो और आप लिंक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं तो देन यू आर डूइंग रॉन्ग। अंडरलिंक डाटा स्ट्रक्चर फॉर अरे लिस्ट इज रीसाइजेबल और ग्रोएबल अरे, अंडरलिंक डाटा स्ट्रक्चर इज डब्ली लिंक लिस्ट। यहाँ पे जो डाटा स्ट्रक्चर है वो है ग्रोएबल अरे, लेकिन इधर डबली लिंक लिस्ट जो है वो इसका डाटा स्ट्रक्चर है। अरे लिस्ट इंप्लीमेंट रैंडम एक्सेस इंटरफेस, लिंक लिस्ट डजंट इंप्लीमेंट रैंडम एक्सेस इंटरफेस, इसीलिए रिट्रीवल जो है अरे लिस्ट का वो फास्ट है। सो ये हमारा था अरे लिस्ट के लिंक लिस्ट के बारे में, और उसके बाद हमारा डिफरेंसेस था लिंक लिस्ट एंड अरे लिस्ट के बारे में। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट विल बी अ वेक्टर।